इंडिया में फार्मेसी बिजनेस अर्थात मेडिकल शॉप किफायती और सदाबहार बिजनेस है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच का इस बिजनेस पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वह इसीलिए कि दवाइयाँ या मेडिसिन का सीधा लेना देना मनुष्य के स्वास्थ्य से होता है। आदमी भले ही अपनी अन्य आवश्यकताओं में समय के अनुरूप कटौती कर सकता है, लेकिन मेडिकल के मामले में नहीं कर सकता। यही कारण है कि मेडिकल शॉप बिजनेस में मंदी के दिनों में भी कमाई करने के सारे अवसर उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि फार्मेसी बिजनेस में अधिक खर्चा ना आने के कारण और इंडिया के हर शहर में दवाइयों की मांग अधिक होने के कारण युवाओं में यह बिजनेस अधिक प्रचलित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि यदि इंडिया में किसी व्यक्ति को फार्मेसी बिजनेस करना हो तो और उसे क्या क्या किस किस प्रकार की गतिविधियाँ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फार्मेसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूं। इंडिया में फार्मेसी बिजनेस या अपनी मेडिकल शॉप खोलने के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को निम्न चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब ये चार भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है हॉस्पिटल फार्मेसी, फिर है टाउनशिप फार्मेसी, फिर है चैन फार्मेसी, चौथा है स्टैंड अलोन फार्मेसी। सबसे पहले मैं आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल फार्मेसी से हमारा आशय उस मेडिकल शॉप से है जो किसी हॉस्पिटल के अंदर होती है, ठीक है। जो हॉस्पिटल के अंदर शॉप होती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और हॉस्पिटल के मरीजों के आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाइयों की बिक्री करता है, मतलब उन्हें दवाइयाँ दी जाती है, मतलब वहाँ पे दवाइयाँ बेची जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल के मरीजों के आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ बेची जाती है। दूसरा है टाउनशिप फार्मेसी। टाउनशिप फार्मेसी के अंतर्गत वह व्यक्ति अपने बिजनेस को रजिस्टर कराता है जो किसी बस्ती में अपनी मेडिकल शॉप खोलना चाहता है और बस्ती में निवासित लोगों की दवाइयां संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है। मतलब कि जो छोटे मोटे इलाके होते हैं वहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट की दुकानें खुली होती हैं वहाँ पे, छोटी मोटी, कुछ बड़ी दुकानें भी होती है, तो ऐसी कॉलोनियों में अपनी हम लोग जो है दुकान खोल सकते हैं। यहाँ पे तीसरी मैं बात करूंगा चैन फार्मेसी के बारे में। चैन फार्मेसी का मतलब उस मेडिकल शॉप से होता है जिसका स्टोर किसी एक जगह ना होकर विभिन्न यानी कि अलग अलग शहरों इलाकों में फैला होता है, जैसे अपोलो फार्मेसी इत्यादि। अब मैं बात करता हूँ स्टैंड अलोन फार्मेसी के बारे में। स्टैंड अलोन फार्मेसी के अंतर्गत उन व्यक्तियों के बिजनेस को रजिस्टर किया जाता है जो रिहायशी इलाकों में मेडिकल शॉप खोलना चाहता है, जैसे कि गली मोहल्लों में स्थापित अधिकतर मेडिकल स्टोर इसी श्रेणी के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। मतलब जो गली मोहल्ले के अंदर जो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर होते हैं वो इसी के अंडर में रजिस्टर होते हैं, मतलब स्टैंड अलोन फार्मेसी के अंडर में। अब मैं आपको यहाँ पे टैक्स का रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, फार्मेसी बिजनेस के लिए इंडिया के किसी भी राज्य में वैल्यू एडिड टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वैट, VAT, के अंतर्गत यानी कि उसके अंडर में टैक्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वैट नामक टैक्स राज्य के अधीन होता है। इसलिए अपने बिजनेस का वैट रजिस्ट्रेशन करने के लिए राज्य के वैट या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ फार्मेसी बिजनेस के लिए ड्रग लाइसेंस, यानी कि जो दवाइयां होती हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं जो नशा वशा होता है, मतलब कि दवाइयों को ही ड्रग्स बोला जाता है। अगर दवाइयों को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर वो मतलब मामला अलग हो जाता है। फिलहाल मैं बात कर रहा था ड्रग लाइसेंस के बारे में। तो फार्मेसी बिजनेस के लिए ड्रग लाइसेंस लेना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर हम यह कहें तो गलत ना होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने की चाबी ही ड्रग लाइसेंस है, और यह लाइसेंस केंद्रीय और राज्य स्तरीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किया जाता है। जारी किए जाने वाले लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RDL, और होलसेल ड्रग लाइसेंस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WDL। दवाइयों की फुटकर विक्रेताओं को RDL लाइसेंस और थोक विक्रेताओं को WD लाइसेंस जारी किया जाता है, और यह लाइसेंस उन व्यक्तियों के नाम से जारी किया जाता है जिन्होंने फार्मेसी में कोई डिग्री या डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ली हो। अगर हम नैतिकता की बात करें तो इंडिया में केवल वही व्यक्ति मेडिकल स्टोर अर्थात फार्मेसी बिजनेस कर सकता है जिसने फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा लिया हो, जिसने किया हो।
लेकिन वास्तविक भारत में ऐसा होता नहीं है। यदि किसी के रिश्तेदार ने या फिर जानकार ने यह कोर्स किया है तो वह अपने नाम से लाइसेंस लेकर पैसों के बदले या फिर भलाई के बदले और किसी को दे देता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है। अब मैं आपको इसकी कुछ गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मेडिकल शॉप खोलना चाहता है तो उसके पास कम से कम 10 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए, जबकि यदि वह फुटकर और थोक दोनों के माध्यम से दवाइयाँ बेचना चाहता है, यानी कि जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना, जो रिटेलर होते हैं ना, उसे हम फुटकर कहते हैं, और जो होलसेलर होते हैं ना उन्हें हम थोक विक्रेता कहते हैं। थोक वाले बोलते हैं ना, थोक की दुकान, रिटेल की दुकान, तो ये चीज ऐसा होती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जबकि यदि वह फुटकर और थोक दोनों के माध्यम से दवाइयां बेचना चाहता हो तो जगह कम से कम 15 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी बंदा थोक की दुकान और रिटेल की दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कम से कम 15 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, और अगर सिर्फ रिटेल की दुकान खोलना चाहता है तो 10 स्क्वायर मीटर में उसकी दुकान खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, मेडिकल शॉप में एक स्टोर होना चाहिए और स्टोर में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होना चाहिए, एयर कंडीशनर इत्यादि सामान अवश्य होने चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शंस, इंसुलिन इत्यादि ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रिज में रखना जरूरी होता है। किसी सर्टिफाइड फार्मासिस्ट के सम्मुख ही थोक में दवाइयां बेची जा सकती हैं, या इसके अलावा वह व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो और उसे कम से कम दवाइयों के क्षेत्र में 1 साल का अनुभव हो, यानी कि एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, फुटकर में दवाइयां बेचते समय भी सर्टिफाइड फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। कार्यशील घंटों में फार्मासिस्ट का मेडिकल शॉप पर उपलब्ध होना जरूरी है। अब मैं आपको ड्रग लाइसेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ड्रग लाइसेंस लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आवेदन पत्र लगेगा, आवेदन का नाम, पद और हस्ताक्षर किया हुआ कवर लेटर, ड्रग लाइसेंस हेतु फीस जमा किया हुआ चालान, बिजनेस प्लान की कॉपी, जगह पर मालिकाना अधिकार का आधार, यदि जगह किराए पर है तो उस मालिक का प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का शपथ पत्र, यदि कोई फार्मासिस्ट नौकरी पर रखा हुआ है तो नियुक्त पत्र, मतलब कि नौकरी पर अगर रखा हुआ है फार्मासिस्ट तो उसके लिए नियुक्ति पत्र होना जरूरी है, क्योंकि फार्मेसी बिजनेस करने हेतु ड्रग लाइसेंस के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए होती है। इसीलिए इंडिया में अक्सर लोग करते क्या है कि अपने सगे संबंधियों या जान पहचान में से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसने फार्मेसी क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा लिया हो, फिर उसके नाम से लाइसेंस लेकर मेडिकल शॉप चलाते हैं, जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के हिसाब से तब सही है जब व्यक्ति को फार्मेसी सेक्टर का कोई अनुभव हो, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस हो, तब तो ऐसा करना ठीक है। लेकिन डिग्री या डिप्लोमा न होने से वह अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हो, यदि नैतिकता की बात करें तो नैतिकता के दृष्टिकोण से तो यह गलत ही है, और इस स्थिति पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति चाहे किसी के नाम से लाइसेंस ले, लेकिन उसको दवाइयों की जानकारी तो होनी ही चाहिए, वरना कभी कभी हो सकता है कि उसको अपने ग्राहक के सामने शर्मिंदा होना पड़े, तो उसके फार्मेसी बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी एक केमिस्ट शॉप को खोलने के लिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ आई हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके जो पूछना आप पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आपको अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी बिजनेस से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।